और मेरे कपड़े यहाँ पर धुल चुके हैं और मैंने सुखा दिए हैं। मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, एकदम घटा घटा सी थी, धूप नहीं निकली थी ज़्यादा। और सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं क्योंकि मशीन लगाई थी आज, ज़्यादा हो रहे थे कपड़े इसलिए मशीन लगाई थी, बेडशीट वगैरह थी सब धो दी। और अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैंने की है खाने की तैयारी, और खाने में बनाने हैं आज दाल और चावल। तो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरहर की दाल, अरहर की और लाल मिक्स करके मसूर वाली वो बनाई है। दाल मैंने धोकर कुकर में चढ़ा दी है और इसमें ऐड कर दिया है नमक और हल्दी, और अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये इसमें घी डाल दिया है जिससे इससे का पानी ना निकले और टेस्ट भी अच्छा आए। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल में तड़का, यानी मतलब छौंक, और ये तेल मेरा हो चुका है गरम। इसमें डाल दिया मैंने हींग जीरा, और अब इसके बाद ये जो बनाया था टमाटर का पेस्ट, टमाटर हरी मिर्च का, ये मैंने डाल दिया है इसके। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब मैंने डाल दी है इसमें ये मिर्च पिसी हुई, और ये ऐड कर दिया इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल दूंगी नमक क्योंकि नमक से जो है टमाटर बहुत जल्दी से गल जाता है। और इसको कर दूंगी मैं अच्छे तरीके से इस मसाले को मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें से टमाटर में से तेल निकल अलग अलग होता है तब तक के लिए। और अब मेरा यहाँ पर ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये दाल, और ये दाल डालकर मैंने कर दिया है इसको अच्छे तरीके से मिक्स, और इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि पानी इसमें पहले से ही काफी था। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला मैं सब्जी में बनने के बाद ही डालती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं कर दूंगी इसको मिक्स मसाले को दाल को, जिससे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और मैं इसको ढककर रख दूंगी 2 मिनट के लिए, और अब दाल ये, और अब मैंने यहाँ पर दूध में से निकाल दी है मलाई। और मैं दूध हमेशा सुबह ही बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे शाम तक उसमें काफ़ी अच्छी सी मलाई आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा घी अपने घर से ही निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर यही मैंने दूध में से मलाई निकाली है, क्योंकि इस मलाई नहीं निकालती तो फिर वो चाय में दूध डालने से मलाई चाय के ऊपर आ जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं पहले ही मलाई को निकाल कर अलग निकाल देती हूँ। और अब हो चुका है शाम के का टाइम, शाम के बजे 5:30 का टाइम हुआ है, और मैं यहाँ पर काट रही हूँ आम, कच्चे आम, क्योंकि इसका डालना है अचार। तो काफ़ी सारे लिए थे, 5 किलो लिए थे, तो यहीं ये मैंने सारे काट दिए हैं और धो के अच्छे तरीके से काटे हैं, सुखाए थे पहले फिर धोए हैं फिर काटे हैं। और साइड में रखी है मटर, ये मैंने मटर भी निकाल ली थी क्योंकि शाम को बनाने हैं पुलाव। और यहाँ पर हम सो गए थे, तो सो के उठने के बाद आंखें भी अजीब सी हो गई थी, और मैंने सीधा पहले आम ही काटे थे सोने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? और आज मैंने 3-4 दिन बाद अपनी वीडियो बनाई है, क्योंकि पहली बात थी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी 2 दिनों से, और कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, क्योंकि इतने गंदे गंदे से मैसेज आ रहे थे, तो इस वजह से भी मेरा थोड़ा मन नहीं कर रहा था कि मैं ना डालूं, छोड़ दूं, क्या फ़ायदा, सब लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने सोच के, चलो कोई नहीं, जिसका काम है बोलने का वो बोलता ही रहेगा, तो इस वजह से बना दी हैं। और कुछ इस वजह से भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी दुकान की डस्टिंग की है, तो 2 दिन दुकान की सफाई करने में लग गए, और थोड़ी सी 2-2 घंटे दुकान खोलने की भी कोशिश की, खुली है थोड़ी सी मार्केट तो वो भी खोली है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा बिजी हो रही थी, मतलब नहीं खोल पा रही थी, मतलब नई वीडियो बना पा रही थी, वीडियो बनी हुई थी लेकिन वो डल नहीं पा रही थी, तो
मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं आज डाल लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मैंने आज 3 दिन बाद वीडियो डाली है, क्योंकि उस कमेंट के बाद मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने फिर सोचा चलो कोई नहीं डाल देती हूँ। तो आज मैंने मदर्स डे के ऊपर बनाया है, क्योंकि ईआवी के स्कूल से जो होमवर्क आ रहा था वो मदर्स डे का मतलब टॉपिक दिया हुआ था, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी पे बना दिया जाए। पर मदर्स डे भी है, क्योंकि ये वाली वीडियो मैं कल ही डालूँगी, आज तो नहीं डालूँगी, कल डालूँगी, कल शाम को वो भी, लेकिन पूरी करके मैं इसको आज ही रखूँगी, क्योंकि कल मुझे दुकान पे भी जाना है, थोड़ी देर के लिए जाना, ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन दुकान पे जाने के बाद पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया कैसे नहीं, तो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं डली थी, क्योंकि मुझे कई कमेंट आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आई है, मतलब क्यों नहीं आई है। तो मैं इसी वजह से यही कि बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ दुकान पे थी, बिजी थी, तो इस वजह से नहीं डल पाई, और कुछ मेरा मन उस कमेंट की वजह से भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कोमल ने बोला कि तू डाल, जो बोल रहा है बोलने दे, उनके बोलने से क्या हो रहा है, सब बोलते हैं एक दूसरे को, बोलते ही हैं, यूट्यूब पे है ही ऐसा कि सब एक दूसरे को बोलते हैं, और एक दूसरे के बिना उठते भी नहीं हैं जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं सब है, छोटे यूट्यूबर्स को तो कोई समझता ही नहीं है, लेकिन बड़े यूट्यूबर्स कभी ये नहीं समझते कि हम भी कभी छोटे थे, और हर कोई किसी न किसी की हेल्प से उठता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो कोई भी हो, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नाम लेके ही उठते हैं, कितने बड़े यूट्यूबर्स हैं सबका सबको मालूम रहता है, बस कोई किसी के बारे में बोलता नहीं है, और मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, सबको मालूम है जो यूट्यूब पे हैं, देखते हैं सब चीज़ें देखते हैं। तो चलो आज मैंने जो बनाया है वो एक माँ के ऊपर, मतलब माँ का कर्ज कोई पूरा नहीं कर सकता, ऐसी वीडियो मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे उसमें ऐसे लिखना था, तो उसी से रिलेटेड मैंने आज ये बना दी है, हो सकता है आपको अच्छी लगे, मैंने उसका थंबनेल भी बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मतलब मदर्स डे का ही बनाया है, क्योंकि इनका होमवर्क करा रही थी, तो थोड़ा सा मतलब ये दिमाग में आया कि चलो क्यों ना पेरेंट्स के ऊपर बना दिया जाए, मतलब उसमें ये था कि माँ का कर्ज कोई पूरा नहीं कर सकता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो बस यही सब कुछ था उसमें। चलो भाई मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।